Hi guys, good morning and welcome back to my vlog. This is Srishti the Great. बहुत दिनों बाद आज से मैंने ऑन रेगुलर बेसिस व्लॉगिंग शुरू करी है. थोड़ी आदत हो गई है अपने टाइम स्केड्यूल की मेरे को, जो भी रहता है सुबह से लेकर शाम तक. तो सोचा कि ठीक है, अब थोड़ा लाइफ जो है पेस पे आ रही है, तो अब इसको भी कंटिन्यू करते हैं. भाई ऐसे हम अपने सब्सक्राइबर्स को निराश नहीं कर सकते हैं. आज का जो व्लॉग होगा वो मैं काफ़ी ब्रेक के बाद बना रही हूँ. तो आज के व्लॉग में हम थोड़ी गपशप मारेंगे. मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, जो भी आपने मिस आउट कर दिया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा. तो आज हम गपशप ही करेंगे. जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि भाई मैं अब थोड़ा ज़्यादा और लाइक यू नो दिखाने से कि रूटीन क्या है ये वो तो रहेगा ही, बट मैं थोड़ा और बातों को अपने रखूंगी आपके आगे, ताकि आप लोगों को पता चले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी टॉपिक के ऊपर. ब्रीफ पता चलेगा, उसकी भी लंबी कहानी है, वो भी कभी हम सेंटी होंगे तो आपको बता ही देंगे. फिलहाल आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं. और ऑफिस का मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा नहाने. और क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी छोटा सा ब्रेक है, लाइक 15-20 मिनट का आई हैव टाइम, क्योंकि उसके बाद मेरा फिर एक कॉल है और मुझे काम फिर अपना शुरू करना है, मतलब शुरू हो चुका है बट देन कोडिंग करना है. तो थोड़ा सा ये 15-20 मिनट का टाइम है तो उसको यूटिलाइज करते हैं और थोड़ा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी नींद आ रही है तो नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लगेगा. और ये मैडम यहीं पर है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये लाल लाल क्या हुआ है इसका भी हम आपको बताएंगे, बट मिलते हैं ब्रेक के बाद. अभी ऑफिस खुल गए हैं और ऑफिस खुलने के बाद इतने कॉल्स पे बात करते हैं और इतना इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो इंसान बातूनी बन जाता है. और मैं तो वैसे ही मेरी आदत है कि भाई मुझको तो बहाने चाहिए बातें करने के, कोई मेरे को मिल जाए तो सोचा कि आप लोगों से भी बात कर ले. भाई व्लॉग तो हम करते ही, ये भी खैर व्लॉग ही है बट लाइक पूरा रिकॉर्डिंग सुबह से लेकर शाम तक तो हम करते ही हैं, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आपसे बात करूं. और बात करने के भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढ रखे हैं, और वो टॉपिक ये है कि बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आपको बताऊं कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ, एंड देन प्रोसीड फर्दर, ताकि आपका कनेक्शन जो है लास्ट व्लॉग से आपके व्लॉग में कुछ टूट ना जाए. यस, तो रूटीन काफ़ी चेंज हो चुका है, सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ आकाश का ही नहीं, किया का भी. अभी पहले तो ये था कि मैटर्निटी चलता था तो पूरे दिन मतलब किया ही किया, जो किया वो किया ही किया, मतलब खाना, सोना, खेलना उसके साथ और टाइम स्पेंड करना, मम्मी पापा भी थे. बट अचानक से इतना सडन चेंज हुआ है ना रूटीन में, क्योंकि मम्मी पापा को भी जाना था, अर्जेंसी थी तो वो लोग भी गए, उसके बाद मेरा भी ऑफिस खुल गया. तो किया को भी मतलब वो भी यूज टू नहीं हुई, उसको भी ऐसे लोग देखने की आदत थी घर में, और अचानक से सिर्फ हम दो ही लोग दिख रहे हैं उसको. और फिर उसको मैं भी बहुत कम दिखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने इस रूम में रहती हूँ, मतलब मम्मी पापा वाला रूम है ये, यहाँ पे मैंने अपना पूरा वर्क स्टेशन बना रखा है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं होम टूर दूंगी तब, अभी मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ. तो यहीं बैठी रहती हूँ, काम करती हूँ. और अब ये हो गया है कि दिन के 2-3 ब्रेक्स मैं लेती हूँ, 15 मिनट का एक ब्रेक लेती हूँ, तो उसमें किया के साथ खेलती हूँ या उसको दूध पिलाती हूँ. दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक मैंडेटरीली लेती हूँ, उसमें मेरे काम डिफाइंड है, मतलब कि उसमें मेरे को अगर मैं नहीं नहाई हूँ सुबह तो मेरे को नहाना है, किया को नहलाना है, किया को लंच कराना है. अब लंच में नॉट मिल्क, मतलब उसको कुछ सॉलिड जब हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं तो मुझे कुछ ना कुछ सॉलिड उसको खिलाना होता है. तो किया को लंच कराना भी एक टास्क है, वही भाई आधा घंटा
40 मिनट्स ले लेता है, बाकी के 20 मिनट में उसको वही रेडी कराया या मैं नहाई वो होता है, वो हो गया। और एक 15 मिनट का शाम से में होता है थोड़ा, आई मीन कुछ 5 बजे के बाद, कभी भी डिपेंड्स ऑन द मूड, कि उसमें भी भाई किया के साथ खेलना या मतलब किया को ही देखना, क्योंकि मतलब मेरे को भी आदत नहीं है उस, ऐसे एक दीवार बीच में आ गई है, वो उस कमरे में रहती है, मैं इस कमरे में रहती हूँ, और ये पता नहीं क्या ही हमारा हो रहा है कि जब भी उसको मैं अपने साथ यहाँ रखती हूँ ना कमरे में, ये लक समझ लो या क्या समझ लो, उसी टाइम मेरा ऑफिस से कॉल आना होता है और उसी टाइम इसका भी मूड ऑफ होना होता है और ये रोने लग जाती है, क्रैंकी हो जाती है। तो इसलिए मैं उसको वहीं रखती हूँ उसी कमरे में, आकाश उसके साथ रहते हैं दिन में और यहाँ मैं काम करती हूँ। तो फिलहाल तो यही है, खाने का कोई टेंशन नहीं है, दिन में मेरी हाउस हेल्प खाना बना जाती है और रात में मैं बनाती हूँ। और हम लोग आजकल बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं और इसका ये रिजल्ट है कि मेरा शायद 2-3 किलो कम हो गया है और आकाश का आई थिंक 4 या 5 किलो कम हो गया है। आकाश काफ़ी पहले से डाइट कर रहे थे, बट मेरा थोड़ा रहता है कि मैं फीड भी करती हूँ तो मेरे को भूख भी लगती है, तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ, अंटशंट भी खा लेती हूँ, तो उस चक्कर में मेरे थोड़े रिजल्ट्स कम हैं। तो अब जब डाइट फूड होता है तो उसमें कुकिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो रात में वी हैव आवर प्रोटीन सैलेड या फिर कुछ भी, मतलब लेकिन हेल्दी होना चाहिए और क्वांटिटी जो भी है उसकी वो कम होनी चाहिए। तो ये है, और दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है वो पता नहीं चलता है, बट दैट डजंट मीन कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, क्योंकि व्लॉगिंग की एक तो आदत हो गई है कैमरा लेके देखना, इवेंट्स कैप्चर करना, और एक लालच भी है व्लॉगिंग का, पैसे का लालच नहीं है, नो, मैं लालची नहीं हूँ पैसे की, लालच है कि अभी भी जब मैं कभी YouTube चलाती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था होली, महाशिवरात्रि या फिर कुछ भी अन्नप्राशन किया का, तो वो देखकर इतना अच्छा लगता है ना कि मैं रिलिव करती हूँ उन सारे मोमेंट्स को, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, मैं बहुत ही प्राउड मदर मेरे को लगता है मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए पूरी मेमोरी एक जगह स्टोर करके रख रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी है कि जब वो बड़ी होगी, जब वो थोड़ा सेंसेस में आएगी और जब वो देखेगी तो वो भी, उसको भी मैं मतलब यू नो रिलेट कर पाऊंगी, देखो तुम ऐसे करती थी या ये था वो था। तो ये सारी व्लॉगिंग उसके लिए हो रही है स्पेसिफिकली कि वो देखे तो उस वो पूरा बचपन अपना देख सके, मतलब। तो ये लालच मेरे को बहुत पड़ चुका है, चस्का पड़ चुका है। और एक वो जो ऑब्सेशन होता है ना अपने आप को देखने का यूट्यूब पे, चाहे भाई सीरियल टीवी में नहीं लेकिन व्लॉग में ही सही, एक ऑब्सेशन वो भी है भाई मेरे को। तो मेरे को बड़े मज़े आते हैं अपने आप को, आकाश को, किया को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखने में, तो ये एक ऑब्सेशन है। तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा साइड बाय साइड मेरे काम के साथ, क्योंकि ये मैं नहीं छोड़ सकती। और इसके अलावा आई एम डूइंग वन मोर थिंग, जो कि शायद मैंने मेंशन करी भी थी पहले, अबाउट द डांस क्लास एंड ट्यूशंस। यही बात ट्यूशंस की, तो ट्यूशंस मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब डांस क्लास ले रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और डांस क्लास अभी के लिए होल्ड पर है, अभी नहीं है डांस क्लास, बट ट्यूशंस कंटिन्यू हैं। उसका रीज़न ये है कि पढ़ाना, जो लोग मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, मेरे बचपन से मेरे को जानते हैं, तो उनको पता है कि पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस है ना इस चीज़ पे अपने, और इतनी अच्छी किक मिलती है ना मेरे को पढ़ाने पे कि पूछो मत। तो ये मैं नहीं छोड़ पा रही, चाहकर भी नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे को पढ़ाना ही है। तो अपना यही है, सुबह से ऑफिस शुरू होता है और रात में मैं 2 घंटे पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। आई हैव 2 स्टूडेंट्स, दो बच्चे हैं मुझसे जो पढ़ने आते हैं, एक 9th की लड़की है, एक 10th की लड़की है, और एक का बोर्ड्स है और 9th, मतलब यही है। तो दोनों मतलब बड़ी क्लासेस ही हैं और उन दो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कोई बच्चा नहीं ले रही हूँ बैच में, और उन्हीं दोनों को डेडिकेटेडली पढ़ाऊंगी और पढ़ाकर अपनी इच्छा पूरी करूँगी मन की, कि नहीं मुझे पढ़ाना है। तो मेरा दिन सही बता रही हूँ ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। दिन बिल्कुल भरा भरा लग रहा है, गद्देदार भरा भरा दिन बिल्कुल, कहीं पर भी
फालतू वेला गिरी वाला टाइम नहीं जहाँ पे मैं ये सोचूं या ये दिमाग में ख्याल आए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे या कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या गलत सोच रहा है, क्या सही सोच रहा है। मेरे को ये सारी चीज़ों की अब परवाह ही नहीं है। लोग हैं, 10 लोग का सोचने का तरीका अलग होता है, कोई दिस वे सोचता है, कोई दैट वे सोचता है, तो हम किसी की थिंकिंग चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं डॉट्स जो है अपने कनेक्ट कर दी थी जब मेरे पे फ्री टाइम होता था, लेकिन अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं जा रही हूँ, मेरा कॉल आ रहा है ऑफिस से, और फिर बाकी गपशप बाद में करेंगे। बाय। सो डन विद माई वर्क, मेजरली मेरा सारा काम हो गया है। बाल मैंने धोए थे, सूख गए हैं, बहुत फ्रिजी हो गए हैं, तो खैर इग्नोर। ये आधे घंटे का काम और है मेरा। गला पता नहीं क्यों मेरा बैठा हुआ है, क्योंकि मैं आजकल कॉल्स पे ज़्यादा रहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है। हाँ, सो दैट्स इट। अभी तो सो रहे हैं दोनों बाप बेटी आराम से, तो बिल्कुल घर में शांति है। और सर प्रायोरिटीज़ मैंने सेट कर ली हैं अपनी लाइफ में, और उसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है हेल्थ। जबकि मैं पहले हेल्थ को इतना कंसिडर नहीं करती थी, लेकिन पिछले 1 साल में इतना कुछ हो गया है ना लाइफ में, तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ। तो हेल्थ इज़ ऑन प्रायोरिटी 1, फिर किया, माई फैमिली इज़ ऑन प्रायोरिटी 2, तो उनको टाइम देती हूँ मैं, एंड देन माई करियर, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ, माई पैशन करियर ये है। तो अब सब सॉर्टेड है, व्लॉगिंग भी मैं कर रही हूँ। मतलब मेरे को एक साइड पे ऐसा लग रहा है कि जो भी लाइक एक इंसान को अपनी लाइफ में करना चाहिए, चाहे अपने पैशन को फॉलो करना, अपने करियर में वो खुश है, फैमिली के साथ है, तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। बस जो थोड़ी मोटी इधर उधर से जो भी टेंशन आती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ऐसे ही ना हमारे सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके चली जाएं, हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएं और ऐसे प्रॉब्लम्स आएं और रिफ्लेक्ट हो जाएं बिल्कुल। तो यही मैं विश करती हूँ अपने लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और सबके लिए जो जो ये व्लॉग देख रहे हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी एज सच कुछ भी नहीं है आज दिन में मेरे को। बस अभी ख़त्म करूँगी अपना काम, रैप अप करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी किया के साथ, आकाश के साथ। शाम की चाय होगी, दूध होगा, फिर ट्यूशंस पढ़ाना होगा, और फिर डिनर होगा, और फिर सो जाएंगे। तो कल से एक फ्रेश दिन से हम लोग प्रॉपरली, जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी बीच का गैप था वो मैंने आपको बता दिया है। एंड ये व्लॉग देखने के बाद मुझको ये कमेंट्स प्लीज़ मत करना कि ऑफिस भी कर रही हो, ट्यूशन भी पढ़ा रही हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो। तो ऐसा नहीं है गाइज, मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाना मेरा पैशन है, और मेरे को लिटरली पढ़ाने से स्ट्रेस दूर होता है। अभी किया बहुत छोटी है, तो वो मैं किया के साथ नहीं कर सकती स्ट्रेस दूर, लेकिन एक बार किया बड़ी हो जाएगी फिर तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर यही है, यही मेरी स्टूडेंट होगी और ये मैं ही इसकी टीचर होने वाली हूँ, और पूरा अपना स्ट्रेस दूर करना, किक लेना, वो सारी जो है वो मैं किया पे उतार लूंगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ या ओवर मैंने अपने आप को बर्डन कर रखा है। बस यही मैं चाहती हूँ कि इतना स्ट्रांग मैं हो जाऊँ हेल्थ वाइज या मेंटल हेल्थ या कुछ भी, कि जो भी मैं विश कर रही हूँ कि मुझे ये करना है तो वो मैं करूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो लोगों के एजम्पशंस थे कि अब मेरा मैटर्निटी ख़त्म हो गया है तो व्लॉगिंग साइड पे होगी या वीकेंड्स पे होगी, नहीं, व्लॉगिंग कंटिन्यूसली होगी। और रीज़न मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बता ही दिया है कि लालच अब मुझे आ गया है और पैसे का लालच नहीं है। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, पैसे का लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग का लालच है। खैर, तो इस व्लॉग को बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं होप करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में खुश हों, पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए जितनी पहले मैंने मांगी थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा, तो सेफ रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए सारे। अगर आप लोग प्रिकॉशन लेंगे, मतलब हम एज एन इंडिविजुअल प्रिकॉशन लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि केस ज़्यादा बढ़ेंगे। सब अपने घर में रहें, अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो बाहर जाएं और मास्क पहन के जाएं, और एंड ये सब आपको पता है, ये सब मेरे को आपको बिल्कुल दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिलहाल एंडिंग दिस व्लॉग हियर ऑन अ वेरी गुड नोट. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट नहीं है अभी, एंड मास्क पहन के रहिए, कोविड बहुत बुरा है. बस एक चीज बतानी थी जो मैं भूल गई थी बताना, ये उठ चुकी है. खैर, ये बताना था कि जो सुबह आपने थोड़ी सी चोट देखी थी किया के इधर, वो ज्यादा कुछ नहीं था, वीकेंड की बात है. बेड पे से नीचे गिर गई थी, बट नीचे मैट था तो ज्यादा चोट नहीं आई, फर्स्ट टाइम गिरी है. और हम दोनों डर गए थे, लेकिन अभी भाई यूज टू रहना पड़ेगा कि अब ये बहुत ही ज्यादा मचलने लग गई है, क्रॉल करती है, एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाती है, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा.